हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर ट्वेंटी फाइव स्पाइसी रीडल्स यहाँ पे कुछ स्पाइसेस के नाम आपको बताए गए हैं विथ रिडल्स जो हम लोग हर रोज घर में यूज करते हैं वही सब स्पाइसेस हैं सो लेटेस्ट स्टार्ट द चैप्टर आई कैन बी पाउडर्ड फाइन आई मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी इफ टू मच ऑफ मी इज एडेड आई मेक यू कास्प यू आइज your eyes and nose begin to water and you cry think and think uh, and think and tell me who am i tell me quickly who am i so here they are talking about chilies red chilies red chili agar khane mein zyada pad jaye to hame teekha lagta hai aur hamari muh se awaaz nikalti hai ऐसी आवाज़ निकलती है आँखों में से और नाक में से पानी और धुआं निकलना लगता है and वी start crying The next is about grind me and powder me to make your food look yellow. I am mixed in oil by granny and applied to wands quickly. I heal all the wands big and small that is why I am loved by all. Think and tell me who am I tell me quickly who am I. So they are talking about turmeric Yaniki haldi. हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर आ, कोई चोट लगी है और उसके ऊपर लगा है तो वो जल्दी से हील हो जाता है टर्मरिक इज़ द वन काइंड ऑफ मेडिसिन एज वेल विच प्योर्स योर ब्लड सो ऑलमोस्ट सभी जो भी खाना होता है उसमें हल्दी डलती है और एज अ मेडिसिन हल्दी यूज होती है स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल आई एम ब्लैक वेन आई एम होल आई कैन बी पाउडर्ड कोर्स और फाइन आशाप अशाप एंड स्पाइसी टेस्ट इज माइन वे वेदर इट इज़ सॉल्टी और स्वीट आई एम एडेड स्पेशल ट्रीट थिंग कैन टेल मी हुई टेल मी क्विकली हु एम आई तो यहाँ पर बात हो रही है ब्लैक पेपर की ब्लैक पेपर छोटा सा होता है राउंड होता है और ऊपर से थोड़ा नकीला होता है तो जब हम उसको इधर वी कैन मेक इट फाइन पाउडर मतलब पूरा उसको बारिक बना सकते हैं या तो फिर उसको खुरदुरा रख सकते हैं या तो फिर पूरा एज ए होल हम उसको यूटिलाइज कर दे रहे स्पाइसी में हो तो आ, ये अच्छी खासी स्पाइस देता है और सॉल्टी या स्वीट चीज़ बनानी है तो उसमें भी हम लिटिल बिट इसको यूज़ कर सकते हैं सो इट्स अबाउट ब्लैक पेपर

Uh, दूसरा हम यूज़ करते हैं बटर मिल्क में uh, या फिर जल जीरा है दही है उसमें हम uh, रोस्ट करके जीरा पाउडर यूज़ करते हैं विच गिव्स अस अ वेरी नाइस स्मेल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स आवर डाइजेशन सिस्टम दैट इज़ वाई जीरा और क्यूमन सिट आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन विद स्पाइसिस आई लुक लाइक अ जीरा दो ग्रीन एम आई I make your stomach healthy. I always try. स्टामक me always after your meal. I refresh your mouth. You surely रिफ्रेश I uh, think and tell me who am I? Tell me quickly who am I? तो यहाँ पे बात हो रही है एनीसिड्स यानी कि स्नोफ की यानी कि वरियाली जो हम खाना खाने के बाद मुखवास में यूज़ करते हैं माउथ फ्रेशनर तो ये चीज़ ऐसी है कि इसका क्वालिटी ठंडा होता है तो ये हमें हमारे स्टमक में ये जब खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें हमें ये हेल्प करता है आई लुक लाइक अ नेल बट अ बर्ड एम आई चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई वैन यू वैन योर टूथ थिक मेक्स यू शाउट आई शुड द पेन इन योर माउथ थिंक एंड टेल मी हु एम आई टेल मी क्विकली हु एम आई तो यहाँ पर ये बात हो रही है वो है लॉन्ग की यानी कि क्लो की ये जो ऐसे मेडिसिन हैं और स्पाइसेस हैं जो तीखा होता है जो गर्म मसाले में यूज़ होता है और एज अ मेडिसिन टू क्योर द टुथ पेन हम क्लो का यूज़ करते हैं नाउ ट्राई एंड मेक योर ओन रिडल अबाउट टू अदर स्पाइसेस आज वॉज रिडर्स इन योर क्लास ड्रॉ पिक्चर ऑफ टू स्पाइसेज इन योर नोटबुक एंड राइट द नेम फाइंड आउट विच स्पाइसेज आर यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग मेक अ लिस्ट एंड लुक एट द फ्रेंड्स लिस्ट टू तो ये बच्चों को खुद से बनाना है जैसे हमने अभी uh, देखा रेड चिली पाउडर था टर्मरिक था क्लो था वैसे ही अलग अलग और भी है जैसे करी uh, लिव्स uh, होते हैं फिर uh, दूसरे भी कई सारे हैं जैसे एक और है मेरे पास जैसे हम मस्टर्ड्स uh, यूज़ करते हैं फिर uh, हम लोग यूज़ uh, करते हैं uh, तेज पत्ता तो ये सब भी नाम आप अपने घर से मम्मी से पूछ के स्पाइसेस के नाम लिख सकते हो वैन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग स्पाइसेस वर यूज मोस्ट इन द किचन फाइंड आउट फ्रॉम दैम एंड राइट यो ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डर्स से पूछ के लिखना है नेम वन स्पाइस विच इज़ पुट इंटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स यहाँ पे एक ऐसा स्पाइस का नाम लिखना है जो स्वीट एंड सॉल्टी दोनों में डाला जाता है सो वन स्पाइस दैट वी नो इज़ अ ब्लैक पेपर फाइंड आउट व्हाट इज़ पुट इंटू फूड टू मेक इट टेस्ट सार ऐसी कौन सी चीज़ है जो खट्टापन देती है दैट इज मैंगो पाउडर और यू कैन यूज़ लेमन फ्लावर I am Kuttan. I live in Kerala. There is a garden of spices in the backyard of my house. There is a see, uh, there I see plant of tejpattha, small and big cardamoms and black peppers grow. Cardamoms matlab इलाइची. तो वहाँ पे कुत्तन के वहाँ पे केरला में उनके वहाँ पे जो गार्डन है उसमें ये सारे स्पाइसेस ग्रो करते हैं. Find out uh, whether any spices are grown in your area. Which uh, write their names here.

टेक सम स्पाइसेस इन द डिश एंड कवर देम अप देन बच्चों की आंखों पे कवर करना है और बच्चों को वो स्पाइसेस टच करके आइडेंटिफाई करना है स्मेल करके आइडेंटिफाई करना है जितना आइडेंटिफाई होगा वहाँ पे उसके हिसाब से उनको टिक मार्क देना है अगर वो सूंख के पता करते हैं कि हाँ ये ये वाला स्पाइसिस तो वहाँ पर राइट होगा टच करके भी उनको पता चलता है तो त, वहाँ पे राइट होगा और उसके बाद वहाँ पे वो जो भी स्पाइस उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसका नाम लिखा जाएगा लेटेस्ट ट्राई मेकिंग अ स्पाइसी पटेटो चाट यहाँ पे एक चाट बनानी है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है बोल्ड पटेटोज इनफ फॉर एवरीबडी इन क्लास सॉल्ट रेड चिली पाउडर मैंगो पाउडर दैट इज आमच्योर और लेमन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट रोस्टेड क्यूम सीड्स डैट इज जीरा ब्लैक सॉल्ट यानी के संंच जो घर में मिलेगा आपको एंड गरम मसाला विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द स्पाइसेस, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फ्रेश कोरियन लीव्स ये सारा इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है द बॉइल्ड पटेटोज एंड कट दैम इंटू स्मॉल पीसेस नाउ एड सॉल्ट रेड चिली पाउडर मैंगो पाउडर और अ लेमन जूस अकॉर्डिंग टू द टेस्ट टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस एड अ लीटर रोस्टेड क्यूमिन सीड्स जो क्यूमिन uh, सीड्स होते हैं उनको रोस्ट करके फिर उसमें डालना है क्रश करके फिर डालना है ब्लैक सॉल्ट एंड कोरियंटा पाउडर अ पिंक ऑफ गर्म मसाला कैन ऑल्सो भी एडेड एट द एंड मिक्स पटेटोज वेल स्प्रिंकल चॉप्ड कोरियंटर लिव्स ऑन द टॉप एंड हो रे योर स्पाइसी चैट इज रेडी टू इट यहाँ पे स्पाइसी चैट रेडी हो जाएगा योर किड्स यू कैन ऑल्सो मेक एट इन होम विथ द हेल्प ऑफ योर पेरेंट डिड यू इंजॉय द पोटेटो चैट

जो uh, हम स्प्राउट्स uh, यूज़ करते हैं चना या पानी पूरी का चना होता है या छोले भटूरे के चना होता है वही uh, आप लेके उनको uh, पूरी रात आपको सोक करके रखना है दान गिव अ बॉयल और जब वो अच्छे से uh, बॉइल्ड हो जाए तो उसके बाद यही सब स्पाइसेस आप उसमें मिक्स करके बट दैट यू कैन ऑल्सो एड सम ऑनियंस एंड टमेटोज टू मेक इट टेस्ट वेरी नाइसली एंड डिलीशियस तो वो आप एक और चाट घर पे बना के ट्राई कर सकते हो एंड इट्स अ हेल्दी एज वेल हाउ डू स्पाइसलेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील ऑन योर टंग तो कुछ चीज़ में हम हरी मिर्च डाल देंगे तो पता चलेगा कि बहुत तीखा होता है तो हमें कैसा जबान पे फील होता है और कुछ में हरी ची, हरी मिर्च या कम रेड चिलीज ची डालेंगे सो दैट विल साउंड लाइक कि ये अच्छा था या और चिली आपको चाहिए थी सो दिस वॉज अबाउट द स्पाइसिस एंड दर इम्पॉर्टेंस आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस रिडल Chapter, and you have learnt it very nicely. Keep learning.